मिस्टर मल्होत्रा अचानक रिया को होटल में देखकर और उसका सवाल सुनकर चौंक गए थे। तभी मोहिनी ने बात बदल दी। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे पता है कि आपने मोहिनी के साथ डील की थी, पर आप अन्वी के कहने पर डील कैंसिल कैसे कर सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा ने साफ शब्दों में कहा, रिया जी, आपको क्या लगता है कि मैंने डील अन्वी जी के कहने पर कैंसिल की है? अगर ऐसा नहीं है तो आप और अन्वी डील की फाइल लेकर यहाँ साथ में क्यों बैठे हैं? मोहिनी ने टेबल पर पड़ी फाइल उठाकर सवाल किया। आपको शायद ये पता नहीं है कि मैंने मोहिनी के साथ डील फाइनल ही अन्वी जी के कहने पर की थी, और अब जब अन्वी जी ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रही तो फिर मैं किस भरोसे पर आगे बढ़ूं? मिस्टर मल्होत्रा के जहन में भी अन्वी ने ये बात डाल दी थी, जिस कारण उन्होंने खुद से डील कैंसिल करने का फैसला लिया था। क्या आपको राइसिंग इंडस्ट्रीज पर भरोसा नहीं? मोहिनी के पास बस यही सवाल रह गया था। राइसिंग इंडस्ट्रीज पर पहले उसकी मालकिन कौन है ये तो कंफर्म हो जाए। कभी मोहिनी कंपनी हैंडल करती है, आप गायब हो जाती हैं, और अब आप आई हैं तो वो चली गई। मिस्टर मल्होत्रा राइसिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ उसकी मालकिन को लेकर भी डाउट्स एक्सप्रेस करने लगे, तो मोहिनी अब घूरते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप शायद ये भूल गए कि आपने मोहिनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आप डायरेक्ट डील कैंसिल नहीं कर सकते। इस बार मिस्टर मल्होत्रा की तरफ से अन्वी ने कहा, रिया जी, शायद आप ये भूल गई कि आप रिया हो, मोहिनी नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट तो मोहिनी ने साइन किया था, फिर मिस्टर मल्होत्रा आपके साथ वर्क क्यों करेंगे? फिर अन्वी पूछने लगी, कुछ दिनों पहले आप भी यही बात कोर्ट में ले गई थी ना, अब इतनी जल्दी भूल गई? या कानूनी भाषा में याद दिलाऊं आपको? आज अन्वी की आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस था, जिसे देखकर ही मोहिनी का दिल जलने लगा। पर मोहिनी सिर्फ शोर शराबा करने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने मिस्टर मल्होत्रा को धमकी दे दी। मिस्टर मल्होत्रा, आपको अन्वी मेहरा पर बड़ा भरोसा है, पर बहुत जल्द ही आपको अपने इस डिसीजन के लिए पछतावा होगा, और मेरी ये बात लिख कर रख लीजिएगा। और फिर मोहिनी अन्वी से कुछ बोले बगैर ही वहाँ से चली गई। तभी अन्वी ने झट से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप रिया की किसी बात को सीरियसली मत लेना। अन्वी जी, आई नो वेरी वेल एंड आई हैव ट्रस्ट इन यू। मिस्टर मल्होत्रा ये कहते हुए विदा लेकर चले गए। अन्वी फिर मन ही मन में सोचने लगी, कहा था ना मोहिनी कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही चाल से हराऊंगी। तुमने मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और मैंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये डील कैंसिल करवाई। और अन्वी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अभी तो बस एक छोटा सा हिसाब बराबर हुआ है। जब तक मैं तुमसे हर बात का, हर छोटी चीज का हिसाब ना ले लूं, ना तो मैं चुप बैठूंगी और ना ही तुम्हें शांति से रहने दूंगी। दूसरी ओर वरुण जैसे ही ऑफिस पहुंचा, पियून ने केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। वरुण ने उसे अंदर आने की परमिशन दी। फिर पियून ने वरुण के पास आकर उसकी ओर एक कुरियर आगे बढ़ा दिया। सर, ये आपके नाम का कुरियर आया था। वरुण ने कुरियर के कवर पर ही भेजने वाले का नाम पढ़ लिया। अन्वी ने कुरियर भेजा है? और फिर वरुण झट से कुरियर खोल कर देखने लगा। फिर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स देखकर उसने पहले पियून को जाने के लिए कहा और फिर पेपर्स को खुशी से चूमने लगा। इन पेपर्स को चुराने के लिए ही मैंने कितनी मशक्कत की थी, और आज अन्वी ने इन्हें खुद मुझ तक पहुंचा दिया। इसे ही कहते हैं, मांगे तो ठेंगा मिले और बिन मांगे मिले मोती। फिर वो जल्दी से पेपर्स के टुकड़े करके उन्हें जलाने लगा। आज इन पेपर्स के साथ मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा, और अब मोहिनी वापस आई तो भी वो मेरी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता पाएगी। ये वही पेपर्स थे जिन पर मोहिनी ने वरुण के साइन लिए थे जब वरुण नशे में धुत था, इसीलिए पेपर्स को जलाते हुए वरुण को बड़ा आनंद आने लगा। वो खुद ब खुद आजाद पंछी की तरह महसूस कर पा रहा था। फिर उसे अन्वी का ख्याल आया। अन्वी ने मुझे यकीन दिलाया था और अपनी बात रखने के लिए उसने पेपर्स लौटा भी दिए हैं, इसलिए मुझे भी उस पर भरोसा दिखाकर उसकी मदद करनी होगी। और झट से अपना फोन ऑन करके वरुण सोशल मीडिया पर आर्यन और रिया की सगाई की अनाउंसमेंट वाली पोस्ट देखने लगा। इन दोनों की सगाई होते ही आर्यन तो रिया के पल्ले बन जाएगा, उसके बाद मेरा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, क्योंकि अन्वी की लाइफ में अभी कोई हीरो नहीं है। वरुण पहले ही अन्वी की गजब की खूबसूरती, चाल चलन और अदाओं का दीवाना बना बैठा था, पर मोहिनी के रहते वो अन्वी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं कर पाया था। लेकिन अब जब मोहिनी उसके रास्ते हट चुकी थी, तो फिर रिया और आर्यन की इस नई केमिस्ट्री के कारण वरुण को आर्यन के साथ प्रॉब्लम फील होना भी कम हो गई थी। अन्वी जी, अब तो आप दिल थाम कर बैठिए, बहुत जल्द मैं आपका हीरो बनूंगा और फिर हमारी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। वरुण खुशी के मारे अन्वी के साथ अपनी लव स्टोरी बनाने के ख्याली पुलाव पकाने लगा। उधर मोहिनी होटल से सीधे ऑफिस पहुंची और अपनी सारी भड़ास एम्प्लॉयज पर निकालने लगी, जिस कारण सारे एम्प्लॉयज खुसर फुसर करने लगे।
रिया मैडम पहले तो ऐसी नहीं थी, आज इतने समय बाद ऑफिस आई हैं और उनका बिहेवियर एकदम बदला बदला है। शायद अपनी कंपनी को लॉस में जाते देखकर वो गुस्सा हो रही होगी। वही कुछ एम्प्लॉयज सैलरी को लेकर कानाफूसी करने लगे। वो कितनी भी गुस्से में हो पर इस तरह से अपना गुस्सा निकालना कहाँ तक सही है? क्या कोई अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी से लॉस कवर करता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो यहाँ काम नहीं करूँगा भाई, मैं तो आज ही रेजिग्नेशन लेटर देने वाला हूँ। जितने मुंह उतनी बातें थी, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ, पर मोहिनी को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहिनी केबिन में बैठी अनवी पर गुस्सा होने लगी। अनवी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने कानून की भाषा बोलोगी तो मैं हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठ जाऊंगी? तुम्हें खून के आंसू न रुला दिए तो मेरा नाम भी मोहिनी राय सिंह नहीं। शाम के वक्त डिनर टेबल पर अनवी और मिस्टर मेहरा बातें करने में लगे थे। डैड आज मैंने मोहिनी के साथ वही किया जो उसने किया था, और हारने की वजह से उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं डैड। मोहिनी को गुस्से से होटल से जाते देखकर अनवी के दिल को आज बड़ी तसल्ली मिली थी। अब मेरी बेटी मैदान में उतरी है तो कोई और कैसे जीत सकता है। मिस्टर मेहरा अनवी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगे। डैड आप बातें ही करेंगे या डिनर भी? अनवी जानबूझकर मिस्टर मेहरा को थोड़ा परेशान करने लगे। फिर किचन से दो बर्तन और उठा लाए। आज खाना भी उसी ने सर्व किया और मिस्टर मेहरा को चुप देखकर पूछने लगे, क्या हुआ डैड, क्या आपको ये सब नहीं खाना? अरे नहीं, वो तो मैं समायरा को याद कर रहा था। मिस्टर मेहरा को एक बार फिर अपनी बेटी समायरा की याद आ गई। उधर मोहिनी ऑफिस से घर लौटी तो इंद्रजीत जी को हॉल में देखकर कुछ चौंक गई। पापा आप हॉल में क्यों? आपको तो इस वक्त रूम में आराम करना चाहिए था। बेटा मैं आराम कर करके पक चुका हूँ, अब और कितना आराम करूँ, वैसे भी मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। इंद्रजीत जी ने जवाब दिया। अब इस बुढ़े को क्या बात करनी है, कहीं मेरे पीछे किसी ने इसके कान तो नहीं भर दिए। मोहिनी तुरंत सोच में पड़ गई और फिर गार्ड को आवाज लगाने लगी, मैडम आपने बुलाया? गार्ड झट से सामने आ खड़ा हुआ। क्या आज घर पर कोई आया था? मोहिनी ने तुरंत पूछा। नहीं नहीं मैडम, आज तो आपके जाने के बाद कोई नहीं आया, गार्ड ने सोच कर बताया। ठीक है तुम जाओ और अपनी ड्यूटी करो। मोहिनी ने गार्ड को वापस बाहर भेज दिया। फिर वो मन ही मन में सोचने लगी, अगर मेरे पीछे कोई नहीं आया तो ये बुड्ढा क्या बात करना चाहता है। रिया को सोच में देखकर इंद्रजीत जी ने कहा, बेटा रिलैक्स हो जा, शायद तुम्हें लग रहा है कि उस दिन की तरह अनवी यहाँ आई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। पापा आप फिर क्या बात करना चाहते हैं? इस बार मोहिनी ने इंद्रजीत से खुद ही पूछ लिया। मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि मेरी रिया कब से गुस्सा करने लग गई। इंद्रजीत जी ने हंसी का ठहाका लगाते हुए कहा, अब क्या मैं मुंह पर ताला लगा कर बैठ जाऊं? और इस बुड्ढे को कैसे पता कि मैं ऑफिस में सब पर चिल्ला रही थी? मोहिनी को लगने लगा कि शायद ऑफिस में से किसी ने बुड्ढे को कॉल कर सारी सच्चाई बता दी और वो फिर कहीं खो सी गई। बेटा तू इतनी परेशान क्यों हो रही है, मैंने कुछ कहा नहीं कि तू सोच में पड़ गई। चल अब मैं ही बता देता हूँ मैंने तुझे गुस्से में कब देखा। इंद्रजीत जी के इतना कहते ही मोहिनी उनकी बात सुनने के लिए खड़ी हो गई। इंद्रजीत जी शांति से बात करने लगे, आज सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त जिस तरह से तू नौकरों पर चिल्ला रही थी ये देखकर मुझे काफी बुरा लगा। मेरी रिया तो बड़ी उम्र के लोगों का हमेशा आदर करती थी ना, फिर आज सभी नौकरों पर ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? पापा ये लोग काम ठीक से नहीं करेंगे तो चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? मोहिनी ने परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहा और फिर ऑफिस की डील्स के बारे में बताकर वापस अनवी के खिलाफ जहर घोलने लगी। दूसरी ओर अनवी और मिस्टर मेहरा का डिनर फिनिश हो चुका था और वो दोनों लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन बिस्तर पर आते ही अपने पापा की कही बातें याद करके अनवी की आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगे। नहीं अनवी तो इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। अनवी ने अगले ही पल अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को टूटने से रोका। जब देर रात आसमान में चांद बहुत ज्यादा चमक रहा था और आसपास तारे टिमटिमाने लगे तो आर्यन छत पर अकेले खड़ा होकर ऊपर आसमान को निहार रहा था। रात का समय था इसलिए एनवायरमेंट एकदम शांत और ठंडा था। आर्यन ऊपर चांद को देखकर बातें करने लगा, पता नहीं रिया को लेकर मेरा मन इतना उलझा हुआ क्यों है, वो मैं ही था जो पिछले 2.5 साल से उसे ढूंढ रहा था और अब जब वो मेरी नजरों के सामने है तो मेरा दिल उसे रिया मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी बीच आर्यन को कई पुरानी बातें याद आने लगी जो उसके और रिया के बीच कॉलेज टाइम में हुई थी। हालांकि रिया तो उसे सिर्फ क्लासमेट समझकर बात करती थी पर आर्यन तो हमेशा से उसके प्यार में पड़ा था। रिया इतनी जल्दी बदल गई है और रिया की सारी पुरानी आदतें मुझे अनवी में नजर आने लगी हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि अनवी ही रिया है, पर वो रिया कैसे हो सकती है, वो तो
अनवी मेहरा है जो मूड अच्छा रहने पर अच्छे से पेश आती है और बाकी समय तो मुझसे ही आर्ग्यू करती फिरती है। आर्यन खुद में ही बड़बड़ाने लगा। मेरी रिया तो कभी मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं करती। ये बोलते हुए उसकी आवाज रुक गई और उसे कॉलेज के टाइम का डिबेट कॉम्पिटिशन याद आया जिसमें उसकी और रिया की दो टीम थी और रिया कॉम्पिटिशन जीत गई थी। फिर वो तुरंत सोच में पड़ गया। उस दिन ऑफिस में भी मैंने रिया के मुंह से अनवी को रिया कहते सुना था, पर बाद में मैं ये पूछना ही भूल गया कि रिया ने ऐसे क्यों कहा। और यही सब सोचते हुए जब काफी समय बीत गया तो तब जाकर वो अपने रूम में सो गया। इधर सुबह हुई नहीं कि अनवी अगले वार के लिए तैयार थी। उसने झट से गुड मॉर्निंग लिखते हुए आर्यन को कई मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिए और फिर फोन पकड़कर मुस्कुराने लगी। मैं ना सही, पर आर्यन तो पापा के मन में सवाल डाल ही सकता है। और तभी अनवी के दिमाग में कोई ऐसी बात आई जिसके बाद वो खुश हो गई। मैं सोच रही हूँ अगर वैसा ही हुआ तो फिर तो मेरे पास मोहिनी के खिलाफ एक और सबूत आ जाएगा। दूसरी ओर सुबह सुबह अनवी का मैसेज देखकर आर्यन ने झट से पूरा मैसेज पढ़ा और फिर इंद्रजीत को फोन करके कुछ बात करने लगा। आर्यन से बात होते ही इंद्रजीत जी कुछ देर तक सोच विचार करने लगे और फिर उन्होंने एक नौकर से कहा, रिया को अभी मेरे रूम में आने को कहो। मालिक की बात सुनकर नौकर ने तुरंत रिया यानी मोहिनी को इन्फॉर्म किया और मोहिनी जल्दी से इंद्रजीत के पास चली गई। तब इंद्रजीत जी ने कहा, आओ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे भी तुम्हारे रिया होने का सबूत चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बार बार मेरी बेटी पर उंगली उठाए। ये सुनते ही मोहिनी के चेहरे पर चिंता और डर के भाव एक साथ नजर आने लगे। मोहिनी अब इंद्रजीत जी के सामने खुद को कैसे रिया प्रूफ करेगी और अनवी के दिमाग में कौन सी ऐसी बात आई थी जो कि मोहिनी के खिलाफ उसके रिया होने का सबूत बन सकती थी। क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का।